इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया। इंदौर में कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं, विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने आए थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बताई जा रही है। देखिए, यहाँ इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने आए थे और कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। तो अक्षय कांति बम, जो कि इंदौर से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे थे, मैदान में उतरे थे, उन्हें टिकट मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने अब कांग्रेस से टिकट वापस दे दिया है। उन्होंने नामांकन वापस कर दिया है। इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है हाल फिलहाल। रमेश मेंदोला के साथ आए थे फॉर्म वापस देने के लिए। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इंदौर से प्रत्याशी घोषित किया गया कांग्रेस की तरफ से और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फॉर्म वापस देने के लिए आए वो। और इस समय इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने के लिए आए थे, क्योंकि अब यहां से कोई प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको इंदौर की जानकारी दे रहे हैं। इंदौर की इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर जहां से अक्षय कांति बम कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे और शंकर लालवानी भाजपा की तरफ से मैदान में, शंकर लालवानी उनके खिलाफ मैदान में लड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अक्षय कांति बम, जो कि कांग्रेस से मैदान में उतरे थे, फिलहाल फॉर्म लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि नामांकन फॉर्म उन्होंने वापस लिया है। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी इसी के साथ नहीं है। रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने आए, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने आखिरी समय में नामांकन वापस ले लिया है। और सचिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वजह क्या बताई जा रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा कदम उठा लिया? देखिए, ये अभी कुछ देर पूर्व की खबर ये है कि जब अक्षय बम इंदौर क्षेत्र के विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे और अपना नामांकन वापिस ले लिया है और मीडिया से उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की गई है, अभी तक जानकारी यही आ रही है कि वह बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में तो अब कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि देखिए एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और अब कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। कितने बजे ये खबर सामने आई, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया भी अब तक आ पाई है कि नहीं? अभी ये कुछ समय पूर्व, आधे घंटे पूर्व की यह पूरी वो है, जो ये पहुंचे थे एकदम से कलेक्टर ऑफिस अचानक पहुंचे, क्योंकि आज फॉर्म वापसी का आखिरी दिन है इंदौर की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर, और उसके बाद साथ में रमेश मेंदोला और भाजपा के कुछ नेता इनके साथ थे क्षेत्र क्रमांक 2 के, और उन्होंने जाते से ही अपना नामांकन जो उन्होंने भरा था वो उन्होंने वापिस लिया है और उसके बाद वह वहां से चुपचाप चले गए। सबसे बड़ा सवाल ये है तो कि क्या नाराजगी थी, कुछ खबरें पहले से सामने आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या अंदर ही कुछ विवाद चल रहा था या संपर्क में थे भाजपा के नेताओं के, कुछ खबर ऐसी? अभी तक ऐसा कुछ भी ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से वो लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, अपना लोगों से मिल रहे थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से भी उन्होंने बैठक की थी, सब कुछ किया था, कांग्रेस के कई नेता साथ में थे, यहाँ तक कि इनका फॉर्म जमा करते टाइम भी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी यहाँ पे इंदौर में आए थे, उस टाइम भी उन लोगों ने यहाँ पे जब फॉर्म जमा किया था उसके बाद ये लोग वहां से चले गए थे, यहाँ पे आम सभा भी की गई थी और जोर शोर से ये अपना प्रचार प्रसार कर भी रहे थे, लोगों से मिल भी रहे थे, लेकिन एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ जो एकदम से आज सुबह, क्योंकि नामांकन की जो आज आखिरी तारीख है उसके बाद आज सुबह एकदम अचानक से यह रमेश मेंदोला जो विधायक है क्षेत्र क्रमांक 2 के, जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इससे जुड़ी क्या खबर सामने आ रही है, क्या मुलाकात की कोई खबर? क्योंकि देखिए फिलहाल ज्वाइनिंग अभियान की बात करें तो प्रभारी नरोत्तम मिश्रा हैं
अभी की स्थिति ऐसी है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वह कांग्रेस प्रत्याशी थे अक्षय कांतिबम, वह विधायक जो भाजपा के ही विधायक हैं और कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक हैं, उन्हीं के साथ आके उन्होंने फॉर्म वापस लिया है। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह या शाम में हो सकता है कि वह पूरे तरीके से बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी ऐसा कांग्रेस का कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो क्योंकि इस अक्षय बम के अलावा किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस से यहाँ पे मैदान में कौन उतरेगा शंकर लालवानी के सामने, और उसके बाद अगर इस अगर ये बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं तो उसके बाद आगे क्या रुख रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का भी अभी तक कुछ भी कोई किसी प्रकार का कोई रिएक्शन अभी तक कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, जरा ये भी जानकारी आप दीजिएगा कि इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, क्योंकि ये जो बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया गया है कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिलेगी? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है, क्योंकि यही अक्षय कांतिबम है जो विधानसभा चार से कांग्रेस की टिकट कांग्रेस का विधायक का टिकट मांग रहे थे और इन्होंने खूब कोशिश भी की थी, लेकिन कमलनाथ और सज्जन वर्मा के कारण यहाँ पे चार नंबर विधानसभा से किसी और को, राजा मनवानी नाम के व्यक्ति को यहाँ पे विधानसभा का टिकट दे दिया गया था। उसके बाद से ये नाराज भी चल रहे थे और ये काम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जीतू पटवारी के कहने पे इनको यह टिकट दिया गया। जीतू पटवारी ने इनको खूब मनाया, तब जाके ये टिकट के लिए हामी भरी और उसके बाद इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू करा अच्छे से, बकायदा ये कैंपेनिंग कर रहे थे। और उसके बाद एकदम से अचानक से आज ये बीजेपी के विधायक रमेश मंदोला के साथ आते हैं और वहां पे अपना फॉर्म वापिस ले लेते हैं और बगैर मीडिया से किसी प्रकार की कोई बात करे वो वहां से चले जाते हैं। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से मैदान में कौन होगा, क्योंकि अभी तक ये चीज की कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कौन, क्या ये किसी और को समर्थन देगी यहाँ पे कांग्रेस, क्योंकि इंडी गठबंधन का जैसे पूरे देश भर में कहीं ना कहीं गठबंधन है, एमपी की बात करें तो खजुराहो में भी इसी तरीके के हालात हुए थे। तो अब ये है कि अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है यह देखना होगा। जी बिल्कुल, खजुराहो से भी ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर जो एसपी से प्रत्याशी थी उनका नामांकन रद्द हो गया था, जो इंडी गठबंधन से प्रत्याशी खड़ी हुई थी, फिर अब एक ये और सीट, फिर ऐसे में क्या ये दो सीट सुरक्षित बीजेपी के लिए मान ली जाए, क्योंकि यहां पर तो मजबूत दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी पहले से ही। जी बिल्कुल, यह इंदौर की जो लोकसभा सीट है वह 35 से 40 सालों से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इसके पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर रही सुमित्रा महाजन लगातार इंदौर से 8 बार की सांसद रही हैं, और उसके पिछले बार से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया था और वह भी यहाँ से 5.5 लाख वोटों से जीते थे। और यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की सीट के लिए 8 लाख वोट से जीत का जो उन्होंने जो घोषणा की थी, शायद ये उसकी पहली स्टेप है। अभी किस तरीके से यहाँ पे होगा अभी आने वाले समय में देखना होगा कि जनता का क्या रुख रहता है, वह किसको वोट करती है, क्योंकि यहाँ पे अभी करीब 26 फॉर्म है जो 26 फॉर्म यहाँ पे किए गए थे, भरे गए थे यहाँ पे, और उसमें 26 फॉर्म अभी भी हैं। अब वो किन किन के फॉर्म है अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी ही आपस में यहाँ पे चुनाव लड़ती है, ये इन्हीं दो पार्टियों के कैंडिडेट ही हर बार यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब यही है कि यहाँ पे विधानसभा में भी 9 के 9 सीटें बीजेपी के कब्जे में है, और इसके साथ साथ अब ये सांसद का जिस तरीके से यहाँ पे ये हुआ है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने जो अपना नामांकन वापस लिया है, अब देखना होगा कि अब आगे क्या स्टेप जीतू पटवारी लेते हैं इसके लिए, क्योंकि उनका यह गृह क्षेत्र है और वह इंदौर वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। जी सचिन, ये बड़ी जानकारी है, ऐसे में तो ये भी माना जा रहा था कि चूंकि पहले से ही हम देख रहे थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही थी, अब ऐसे में इस तरीके से ये एक तरफ बैकफुट पर कांग्रेस आ जाती है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। गौरव,
कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे क्या कोई बड़ी वजह आप देख पा रहे हैं? क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही थी, जिस तरीके से दौरे केंद्रीय मंत्रियों के हो रहे थे, अब ऐसे में बैकफुट पर आना कितना बड़ा यहां पर नुकसानदायक कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है? देखिए, जिस तरीके लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा की 29 सीटों पर चुनाव है, उसमें ये बहुत बड़ा घटनाक्रम अपने आप में देखा जा सकता है, क्योंकि इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने भी वो जाते हैं तो रमेश मंदौला के साथ, जो बीजेपी के विधायक और कद्दावर नेता इंदौर से जाने जाते हैं, और ऐसे में जो अक्षय बम है वो उनके साथ जाते हैं, अपना नामांकन वापस लेते हैं, क्योंकि आज नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। चौथे चरण में इंदौर में चुनाव होना है, मालवा के जो चुनाव है चौथे चरण में होने हैं, और ऐसे में इंदौर सबसे अहम लोकसभा सीट के तौर पर जानी जाती है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी पहले से ही मजबूत मानी जा रही थी, क्योंकि शंकर लालवानी जो पहले से यहां पे सांसद थे, उन्हें ही दोबारा से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने उतारा था, और अब जब अक्षय बम जो एक युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो युवाओं को आकर्षित करने में सफल साबित हो सकते हैं, ऐसे में वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने आप में ये बहुत ही बड़ा घटनाक्रम है राजनीति के क्षेत्र में। क्योंकि देखिए, अक्षय बम जो है वो यहां से एक युवा नेता है, एजुकेशन फील्ड में यहाँ पे वो काम लंबे का समय से करते हुए आ रहे हैं, और युवाओं को काफी हद तक वो आकर्षित इस चुनाव में कर सकते थे, ऐसे में अब उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी एक तरफा इंदौर में चुनावी मैदान में है। अब क्योंकि अक्षय बम को ये कहा जाता था लेकर कि वो दिग्विजय सिंह के काफी खास है, और दिग्विजय के कहने पर उनको यहाँ से टिकट दिया गया था, ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस जो है लंबे समय से ये कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे कुछ मजबूत स्थिति में वो आए, लेकिन अब जब अक्षय बम जो मुख्य कैंडिडेट यहाँ पर थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, अब उन्होंने जब अपना नामांकन वापस लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब एक तरफा मुकाबला इंदौर में हो गया है। शंकर लालवानी एक तरफा चुनाव यहां से एक तरीके से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी से पहले से स्ट्रांग थी, तो ऐसे में इस रणनीति पर क्यों काम किया गया? क्योंकि देखिए, लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ बीजेपी अपने चुनाव को जीते, हर कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ चुनाव जीते, और जिस तरीके से वोट प्रतिशत पहले दो चरणों में मध्य प्रदेश में गिरा है, तो कहीं ना कहीं अब अगर अक्षय बम अपना नामांकन वापस लेते हैं तो जितने वोट्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, और जो एक नसीहत केंद्र से मध्य प्रदेश के नेताओं को दी गई थी कि अगर वोट प्रतिशत गिरता है तो कहीं ना कहीं वहां के नेताओं को, वहां के विधायक इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे, और ऐसे में अब अक्षय बम ने अगर अपना नामांकन वापस लिया है तो जाहिर सी बात है कि कोई कैंडिडेट कांग्रेस के पास बचता नहीं है, और ऐसे में सारे वोट बीजेपी के पास जाएंगे। लेकिन फिर भी आज नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था, अब ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट में आ गई है। अब कांग्रेस किस तरीके से इस चुनाव में उतरती है और किसे समर्थन देती है, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने होगा। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आलाकमान क्या एक्शन लेता है, क्या कुछ करता है? लेकिन नामांकन वापस लेने के लिए खुद बीजेपी विधायक रमेश मंदौला के साथ वो जाते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, रमेश मंदौला उनके साथ अगर जा रहे हैं नामांकन वापस लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि अक्षय बम अब बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि बीजेपी के नेता के साथ वो जा रहे हैं। देखिए, अपने आप एक बड़ा घटनाक्रम इसलिए भी हो जाता है कि एक तरफ बीजेपी चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है यहाँ पे, वही अब बीजेपी के वरिष्ठ या कहें वहां के दिग्गज नेता के साथ अपना नाम वापस करने के लिए आ रहा है, तो इसको समझा जा सकता है कि किस तरीके से सियासी गणित यहाँ पे बीजेपी ने जमाया है, किस तरीके का। देखिए, कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी राजनीति पे काम करती है, राजनीतिक दल काम करते हैं, और बीजेपी किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है इस घटनाक्रम से साबित होता है। क्योंकि एक तरफ जहां लोगों के बीच बीजेपी पहुंच रही है, जनता के बीच में अपने काम बताने की कोशिश कर रही है, ये बता रही है कि किस तरीके से विकास के आधार पर बीजेपी इस चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं जो सामने जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से तोड़ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मुकाबला ही पूरी तरह से खत्म। आपके पास लौटूंगी। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी की तरफ से। नेहा बग्गा, जिस तरीके से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं नेहा जी, ये भी बताइए। और साथ ही चूंकि लगातार कांग्रेस के तमाम विधायक या नेता जिस तरीके से पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगी आपकी प्रतिक्रिया? लगता आवाज
मेरी आवाज क्या पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ऐसे में थर्ड फेज का इलेक्शन होना है, थर्ड फेज का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले इंदौर की सीट भी देखिए, हाई प्रोफाइल ये सीट, और ये सीट भी उसमें शामिल थी जब तीसरे चरण का चुनाव होता, लेकिन उस पर एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लग गया है। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापिस ले लिया है, और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि वो बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाते हैं ऑफिस में और उसके बाद अपना नामांकन वापिस लिया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था तमाम बीजेपी पार्टी के साथ में कांग्रेस के नेता शामिल हो गए थे, बताया जा रहा था, उनकी तरफ से कहा जाता था कि जो बीजेपी की रीति नीति है उससे प्रभावित हम हो रहे हैं, कांग्रेस में अपना अलग मनमुटाव चल रहा है, यही वजह सामने आए। लेकिन फिलहाल तो आपको बता दें, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। नेहा बग्गा एक बार फिर से जुड़ गई हैं। नेहा जी, किस तरीके से आप इसे देख रही हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम अपना नामांकन फॉर्म वापिस लेने के लिए पहुंचे हैं? लेकिन बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि अगर कोई राष्ट्रहित में काम कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर कोई सनातन का परचम फहरा सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर देश के विकास को कोई गति पहुंचा सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर विश्व भारत की साख कोई बना सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसीलिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं, सदस्यता है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए कि एक नहीं, देश के कोने कोने से इसी प्रकार की आवाज आ रही है, और नेहरू गांधी परिवार जिस प्रकार से अपनी परिक्रमा करवाकर बिना योग्यता के स्थापित रहना चाहता है, जनता भी और उनके कार्यकर्ता भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या अक्षय कांति बम से किसी तरीके की कोई बातचीत बीजेपी पार्टी की ओर से चल रही थी, क्या संपर्क में वो पहले से थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी से संपर्क नहीं करती, ना किसी से बातचीत करती है। जो भी व्यक्ति भारत निर्माण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश प्रथम की भावना के साथ आता है उसका स्वागत करती है, इसी नाते इनका भी स्वागत हुआ। लेकिन किसी तरीके की कोई बातचीत तो हुई होगी, या फिर सीधा स्पष्ट ये कर दिया, क्योंकि जब खुद वो बीजेपी विधायक के साथ जा रहे हैं वापस लेने के लिए नामांकन, तो किसी तरीके कोई बातचीत हुई होगी? ये उनकी भावना है, वो जानते हैं कि उनके पास नेता नहीं, नीति नहीं, नेतृत्व नहीं, और इसलिए वो भाजपा के साथ आए हैं। भाजपा में किसी प्रकार की बातचीत नहीं होती, बात एक ही है, राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना। ठीक है, ठीक है। प्रगति भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रगति, किस तरीके से आप इसे देख रही हैं, अब आगे जी अगर जुड़ी हुई है तो नेहा जी से एक सवाल मेरा ये रहेगा, नेहा जी अगर कोई खबर आप तक पहुंच गई है तो बताइएगा कितने बजे ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, क्योंकि हम देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के साथ तस्वीरें सामने आ रही हैं, और मेंदोला के साथ तो हमने देखा नामांकन लेने वापस गए ही हैं वो, तो क्या खबर आप तक पहुंची कि नहीं? देखिए, आप ही के माध्यम से मुझे खबर मिल रही है, पर ये एक नहीं है, देश के कोने कोने की तस्वीर है, ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, देश के कोने कोने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उनकी भावना है, और सभी लोग जो राष्ट्र निर्माण को अपना ध्येय मानते हैं वो सब भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और अपना नामांकन वापस भी ले रहे हैं। क्या ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है? स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लोग को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से छिटक कर छोड़ रहे हैं, वे खुद भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, वे खुद जनता की भावना का कदर कर रहे हैं, और उसको लेकर तो नेहा जी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था बीजेपी को मालवा निमाड़ में कंपटीशन बहुत मजबूत लग रहा हो और चैलेंजिंग लग रहा हो, जिसकी वजह से कदम उठाया गया हो, क्योंकि हम देख रहे हैं ज्वाइनिंग अभियान तो लगातार चल ही रहा है, प्रभारी है नरोत्तम मिश्रा और पिटारा खुलता है तो नए चेहरे सामने आते हैं जी। ये आपने गलत सवाल पूछ लिया, मुझे लगता है वाइसे वर्षा होना चाहिए था। अच्छा। कि कांग्रेस को चैलेंजिंग लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस का प्रत्याशी छोड़कर आया है, तो चैलेंजिंग किसके लिए था हमारे सामने है। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा कांग्रेस का बड़ा नेता है, राष्ट्रीय नेता है, जो इंदौर अभी तक पहुंच गया हो प्रचार प्रसार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, अनेक नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और प्रत्येक सीट पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर मालवा निमाड़ जहाँ से जीतू पटवारी भी आते हैं उनके लिए भी ये काफी चैलेंजिंग हो जाएगा और झटका उन्हें भी लगा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी तमाम बातचीत के लिए।
अंजलि मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगी कि देखिए बड़ी खबर है हर लिहाज से, चुनावी लिहाज से, और कैलाश विजयवर्गीय का नाम यहाँ पर क्लियरली साफ तौर पर सामने आ रहा है। उनकी भूमिका यहाँ पर मुख्य तौर पर बताई जा रही है। जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके लिए भी एक ये बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अक्षय कांति बम की, तो ये नया चेहरा थे, युवा चेहरा थे, और इनको प्रपोज जीतू पटवारी ने ही किया था, उन्हीं ने इनका चेहरा बताया था। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना जो कि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो अंदेशा यही दे रही है जीतू पटवारी के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। अब मालवा निमाड़ की अगर हम बात करते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण संभाग हो जाता है चुनावी लिहाज से, संघ की प्रयोगशाला इसे कहा जाता है। हम यहाँ से देखते हैं कई दिग्गज निकलते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की तो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रगति, लेकिन अगर हम बात करते हैं, चूंकि जैसा कि नेहा भी कहती हुई दिखाई दे रही थी कि बीजेपी कभी किसी से संपर्क नहीं करती है, अब संपर्क होता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने खुद कितनी बार तमाम ऐसे कांग्रेसी नेताओं को सदस्यता दिलवाई है, बिना संपर्क के तो ये सारी चीजें होंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में अब बड़ा सवाल सबसे यही खड़ा होता है कि अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो कब होगी। वैसे तो देखिए अंजलि शुभ मुहूर्त जो बीजेपी के लिए हम देख रहे हैं 11:30 का ही माना जा रहा है, 12 बज चुके हैं, अब इसके बाद ज्वाइनिंग होती है तो कब तक होगी, नहीं होगी तो फिर आगे क्या रणनीति है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन देखिए राजनीति जिसे हम कहते हैं, ये वो कुछ पल हैं जो हमेशा के लिए किताबों में कैद हो जाते हैं, जो नहीं सोचा वो हो जाता है। एक नया चेहरा जिसे मैदान में उतारा गया कांग्रेस की तरफ से, देखिए ऐसी खबरें खजुराहो से सामने आई जहां एसपी से जो प्रत्याशी खड़ी होती हैं उनका नामांकन रद्द हो जाता है। ऐसे में कुल मिलाकर जो 2 सीटें हैं वो बीजेपी के ही लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत पकड़ वाली सीटें मानी जा रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है अभी से, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ से नामांकन वापस ले लिया। इंदौर की हम बात कर रहे हैं, इंदौर जहाँ से विधानसभा क्षेत्र है जीतू पटवारी का, आप सोच सकती है कितना बड़ा झटका यहाँ पर हो जाता है कांग्रेस के लिए। और खजुराहो पर भी हमने वही स्थिति बनती हुई देखी, छिंदवाड़ा जिसके लिए हम कह रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर हमने देखा मुख्यमंत्री लगातार दौरे करते हुए नजर आए, अमित शाह का दौरा रहा, प्रधानमंत्री का दौरा रहा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। और जब मुख्यमंत्री एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए न्यूज स्टेट से नजर आए, तब उन्होंने यही कहा कि मैंने छिंदवाड़ा की तो हर एक गली नाप ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम अच्छा ये भी देखेंगे प्रगति कि पहला जो चरण हुआ था, पहला फेज जब हुआ था, सेकंड फेज जब हुआ था, उस दौरान वोट का प्रतिशत अच्छा खासा निकल के सामने नहीं आया था, ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। तीसरे फेज में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी रिस्क लेना नहीं चाहती है और यही वजह है कि वो कांग्रेस के नेताओं से संपर्क कर रही हो, हालांकि ये इंटरनली ये सारी चीज़ें होती हैं, ये फ्रंट पर आकर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो कहीं वोट प्रतिशत आगे चल के खराब ना हो, कम ना हो, बीजेपी के पक्ष में ना जाए, कहीं ये भी तो एक वजह सामने नहीं हो सकती है। अंजलि ऐसी खबरें तो कई दिनों से सामने आ रही थी कि इंदौर में चीजें ठीक नहीं थी कांग्रेस में, अंदर से ही जो माइंड गेम्स थे वो चल ही रहे थे, लेकिन आखिर क्या चल रहा था प्रॉपरली ये सामने नहीं आ पाया। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, जब नामांकन के लिए वापस लेने के लिए जब वो पहुंचे तो किसी से बातचीत नहीं की, वहां पर मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ उनकी तरफ से कहा नहीं गया है। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो साफ तौर पर क्या है, ये आप भी समझ रहे हैं, ये मैं भी समझ रही हूँ। आपने वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल पूछा, बिल्कुल पहले चरण में हमने देखा, दूसरे चरण में हमने देखा वोटिंग प्रतिशत कम रही, जिसके बाद अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा कि अगर इस तरीके से वोटिंग प्रतिशत आगे चलकर कम रहता है तो हम विधायक बदल देंगे और नए लोगों को मौका दिया जाएगा, विधायक बदल दिए जाएंगे। इससे पता चलता है कितना सख्ती के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मालवा निमाड़ जैसे क्षेत्र से इतनी बड़ी खबर आना अपने आप में ही बड़ी बात हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। प्रगति, आपको याद होगा इससे पहले भी, जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे उससे पहले भी तमाम ऐसे नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उन नेताओं को लेकर कहा जाता था कि उनका मनमुटाव चल रहा था, इंटरनली मनमुटाव था। कांग्रेस ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, और समझाने की कोशिश भी की तो वो समझे नहीं, क्योंकि वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित थे। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार विरोध करती हुई आ रही थी, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा था इसमें बीच में अंतरूनी कलह का, तो क्या यहाँ पर अक्षय कांति बम के साथ कोई मनमुटाव था? तो क्या ये कांग्रेस को पता था, और पता था तो क्या कांग्रेस ने सुलझाने की कोशिश की? देखिए, अभी तक अंजलि मतभेद की खबर तो कोई सामने नहीं आ रही थी। हालांकि अक्षय कांति बम की बात करें, नया चेहरा, युवा चेहरा, जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं, उन्हीं ने इस चेहरे को प्रपोज किया था, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ जीतू पटवारी के लिए भी ये बड़ा झटका हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जो माइंड गेम्स वहां पर चल रहे थे ये अंदरूनी खबरें जरूर सामने आ रही थी। बिल्कुल, और देखिए प्रगति, अपडेट हमारे पास आया है कि बीजेपी ऑफिस, बीजेपी दफ्तर जो है अक्षय कांति बम पहुंच रहे हैं, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब जिस बात का पूरी तरीके से बीजेपी दफ्तर देखिए पहुंच गए हैं, ये अपडेट सामने आ गया है। अब बहस कुछ ही समय बचा होगा, बस कुछ ही मिनट बचे होंगे उसके बाद। और बिल्कुल अंजलि, जब बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं इसका मतलब यही है कि ज्वाइनिंग भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार आ सकती है कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी हो सकता है। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं, सबसे पहले नामांकन वापस कर देना, फिर कैलाश विजयवर्गीय के साथ तस्वीरें सामने आना, फिर बीजेपी कार्यालय पहुंच जाना। ये देखिए, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले खजुराहो सीट पर हमने देखा एसपी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाता है, कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दी। फिर इंदौर हम देख रहे हैं, यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी दो सीट एक तरीके से हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधी सीधी मजबूत यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस की जो तरीके से रणनीति रहती है वो लगता है काम करती हुई दिखाई दे नहीं रही है प्रगति, और भविष्य शायद मध्य प्रदेश में तो खतरे में इस समय दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बीजेपी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। हमने देखा जब पहले चरण के चुनाव थे तो पहले चरण की जो सीटें थी, 6 सीटें, उन पर फोकस किया। छिंदवाड़ा में लगातार दौरे हमको देखने को मिले, छिंदवाड़ा पर लगातार। आपको रोकूंगी, और देखिए ट्वीट सामने आया है, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट है। आगे लिखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। तो ये कंफर्म हो गया है कि अब बीजेपी में वो पहुंच गए हैं, बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना, जो कि सदस्यता दिलवाई जाती है वो बस होना बाकी है। प्रगति, बिल्कुल इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरीके से यहाँ पर अंजलि देखिए कंफर्मेशन सामने आ रही है, और बार बार ये खबरें भी मिल रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की इस पूरे जो खबर सामने आई है इसमें भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और उनका ट्वीट भी सामने आ गया है जहाँ पर एक कंफर्मेशन वो देते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर पहुँच चुके हैं। और देखिए खुद हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि आप प्रभारी हैं, लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहा है, अब ये मानकर चलें कि ज्वाइनिंग होने वाली है, कितना और समय लग सकता है अक्षय कांति बम को लेकर? बड़ा चेहरा सामने आ जाता है, एक और बड़ा चेहरा सामने आ गया। ये जो अभियान है लग रहा है कि जारी रहेगा इसी तरीके से। जी, आवाज नहीं समझ में आ रही आपकी, क्या आवाज समझ में नहीं आ रही है? जी नरोत्तम जी, हम ये पूछ रहे हैं कि आपको प्रभारी बनाया गया, आपने कहा ज्वाइनिंग अभियान अभी जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं, और वो हम देख रहे हैं रुक नहीं रहा है। इंदौर से एक और बड़ा चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आप अपना पटारा खोलते हैं, पिटारे में से एक और बड़ा चेहरा निकल आता है। जी कैलाश,
चलिए ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है बिल्कुल, बड़ी खबर ये सामने आ रही है और देखिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मुझे लगता है कि बस महज 15 से 20 मिनट लग सकता है, ज्यादा जो समय लगेगा वो आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि जो सारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने में इतना कार्यक्रम लगता है, इतना टाइम लगता है, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि बीजेपी वो ज्वाइन करने वाले हैं, अक्षय कांति बम बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ से लग गया है और ऐसे में अब ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से अपना कदम आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चल रहा है, यानी कि कांग्रेस से तमाम नेता, चाहे अन्य पार्टियों से तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये भली भूति आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को देखिए, खुद प्रभारी बनाया गया है, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि तमाम ऐसे नेता हैं कांग्रेस के वो इस समय बीजेपी को ज्वाइन कर भी चुके हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल कितना और समय देखने को मिलेगा, कितना और समय लग सकता है अक्षय कांति बम को बीजेपी ज्वाइन करने में, ऑफिशियली उनको अनाउंसमेंट करने में? देखिए बिल्कुल, अब कुछ ही समय बचा हुआ है कि थोड़ी देर बाद अब अक्षय बम बीजेपी की सदस्यता लेके, और जिस तरीके से आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आया और ट्वीट पर स्पष्ट तौर पर यही कहा कि उनका स्वागत है, तो जिस तरीके से हम देखते हैं, देखिए सियासत है, सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कल जो दोस्त है वो दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाते हैं। कल तक बीजेपी के जो पूरी तमाम नीति के ऊपर जो सवाल उठाते थे अक्षय बम, आज वो बीजेपी में शामिल होते हुए हमें दिखाई देंगे, और तीसरे चरण चुनाव के पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को इंदौर में लग चुका है। देखिए जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जिस पर जानकारी आ रही है, अब से कुछ ही मिनट बचे हैं और उसके बाद अक्षय बम बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे और सदस्यता के बाद बीजेपी के प्रचार में जुट जाएंगे। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जिले हैं, अलग अलग जिलों के अगर आप देखें, जिस तरह की ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइनिंग टोली बनाई गई थी, और टोली का यही पूरा काम था कि अलग अलग जिलों से कांग्रेस को कमजोर किया जाए और वहाँ के जो मजबूत पार्टी कार्यकर्ता है उनको बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, और होते हुए भी यही दिखाई दे रहा है। देखिए बड़े बड़े दिग्गज हमने देखे इस चुनाव के अंदर, जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामते रहे, कमल के फूल के साथ सियासत करते रहे, कहीं ना कहीं इस पर विश्लेषण करिएगा, ये भी जरा समझाइएगा, क्योंकि मालवा निमाड़ क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अक्षय कांति बम की बात करें तो जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा, तो कितना प्रभाव इसका पड़ने वाला है आने वाले दौर में, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है ये, राजनीति दल बदल की हम देखते हैं, लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं, जो नया चैप्टर हम शुरू होते देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और कांग्रेस को कितना प्रभाव पड़ेगा ये हम कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता से ही समझ लेते हैं। अब्बास जी हमारे साथ हैं, अब्बास जी एक बड़ा झटका इंदौर में लगा है, आप लोगों को चुनाव के पहले तीसरे चरण का मतदान होता, अब बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं अक्षय बम, क्या किस तरीके से? एक तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, ऐसे लोकतंत्र को अपमानित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है उस बीजेपी को जो दावा 400 पार का कर रही थी, अब जीत नहीं सकते हैं तो दबाव बना के इस तरह से अनैतिकता के आधार के ऊपर प्रत्याशी का नामांकन वापस लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, एजेंसीज आपके पास हैं, जिस तरह से चाहें जिसको आप दिन को दिन रात लिखें रात हो जाए, रात को दिन लिखें रात को आप दिन बना दें, तो इस तरह की अगर परिस्थितियां बन रही हैं तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी चुनाव हार रही है। दूसरी बात, जनता इसको सेल्फ गोल मानती है, जनता का गुस्सा और बढ़ रहा है कि अगर जनता आपको चुनने नहीं जा रही है तो आप इस तरीके से अपने आप को चुनवाएंगे तो जनता फिर अच्छे से नकारेगी पूरे देश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक सीट के ऊपर जो किया हमारा, जो भी इसके ऊपर आगे करने का प्लान रहेगा वो आगे लाएंगे, रणनीति बनाएंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या रास्ते हैं और कौन सा प्रत्याशी वहाँ पर ऐसा है जो लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, जिसका फॉर्म सबमिट हो चुका है, बहुत से रास्ते अभी खुले हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि बीजेपी हार रही है। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर हम देखें अब्बास जी, देखिए ना केवल मैं इंदौर का यहाँ जिक्र करूँ, कई अलग अलग जिलों से हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, रीति नीति नियम की दुहाई भी देते थे, लेकिन चुनाव के पहले जिस तरीके से जहाज बदल रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से लग रहा है क्या कांग्रेस अपना किला अपना घर बचाने में मजबूत नहीं दिख पा रही? देखिए कार्यकर्ता अगर बदलता तो बात समझ में आती, यहाँ प्रत्याशी को बदलते हुए आपने देखा, और प्रत्याशी आज की हम बात करेंगे आज के संदर्भ की, क्योंकि ताज़ा उदाहरण है, ताज़ा केस है,
तो साफ तौर के ऊपर बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं आपको डराऊंगा और कहूंगा कि आप चैनल बदल दीजिए, आप क्यों बदलेंगे, आपकी लॉयल्टी है साथ में, लेकिन आपके ऊपर कोई बिल्कुल ही ये रख दे कि आप जेल में जाएंगे। हो रहे हैं और हम सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद लौटूंगी मैं आपके पास, सवाल देखे खड़े हो रहे हैं और जाहिर सी बात है इस तरीके से उनको काउंटर करना वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिस तरीके से अब्बास जी कहते हुए नजर आ रही थी। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब कांग्रेस के लिए देखिए मुश्किलें तो यहाँ पर खड़ी हो गई हैं, अगर कोई कार्यकर्ता ज्वाइन करता है तो समझ आ जाता है, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव इस दौरान चल रहे हैं और तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लेता है, नामांकन फॉर्म वापस ले लेता है और उसके बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, संदेश सही नहीं जा रहे हैं? देखिए, एक बात तो क्लियर है, अक्षय कांति बम एक सक्षम लीडर हैं और सोचने समझने में की भरपूर शक्ति उनके पास में है। इंदौर जैसे शहर की नुमाइंदगी वो करते हैं, तो भाजपा में जा रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही जा रहे होंगे। कांग्रेस का पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने नामांकन वापस ले भी लिया है तो उन्होंने कुछ सब कुछ सोच समझ कर किया है, उनके इस निर्णय पर कोई कानूनी बिल्कुल संदीप जी रोकना चाहूंगे। एक बार फिर से हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, आपको ज्वाइनिंग अभियान का प्रभारी बनाया गया, एक बड़ा दायित्व आपको सौंपा गया और जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं उससे तो यही मालूम पड़ता है कि बाखूबी आप अपना जो दायित्व है उसको निभा रहे हैं। क्या इसके बाद और भी बड़े चेहरे देख सकते हैं हम? कैसे देख रहे हैं इस बड़ी खबर को और कितने बजे ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? बहुत जल्दी और भी चेहरे देखेंगी आप, एक दो दिन का जारी है। और यहाँ तक सवाल ये है कि भगदड़ के हालात क्यों है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इंदौर से ही आते हैं और इंदौर में ही पार्टी प्रत्याशी विहीन हो गई कांग्रेस। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, पहले खुजराहो में कांग्रेस ने रण छोड़ दिया था, अब इन्होंने उन्होंने सीट छोड़ी, इसने कांग्रेस छोड़ दी बम ने और बम ने बम छोड़ दिया। अगर ये फार्म रिजेक्ट हुआ होता ना तो कह रहे होते कि प्रशासन पे दबाव डाल के। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके बिल्कुल, चलिए यहाँ पर एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को आप सुन रहे थे। नरोत्तम मिश्रा कहते हुए नजर आए कि ये तो अभी शुरुआत है और अभी और भी चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने उनसे पूछा कि इसके बाद भी ये जो अभियान है जारी रहेगा और भी चेहरे हम देखने वाले हैं क्या, तो उनका कहना था अभी तो और भी चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। ये समझना चाहूंगी संदीप जी मैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दल बदल की राजनीति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद अब क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि कैसा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ने वाला है कांग्रेस के लिए, अब बहुत ही मुश्किल होने वाली है, एक तरफ खजुराहो और एक तरफ इंदौर। बिल्कुल, और नरोत्तम मिश्रा जो संकेत देने की कोशिश कर रहे थे वो यही कि ये इंदौर केवल इंदौर नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी का गृह क्षेत्र है, यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट का पी में चले जाना ये सीधे सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर ही सवाल करता है। दूसरी अहम बात ये है कि इस क्षेत्र में बीजेपी को अपनी सर्वाधिक रणनीति का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले छिंदवाड़ा में व्यस्त थे, उन्होंने छिंदवाड़ा में उनके प्रभाव के बाद में हमने ये देखा कि किस तरह बड़े बड़े लीडर्स छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद अब इंदौर में सक्रिय हो गए कैलाश विजयवर्गीय, तो विजयवर्गीय इफेक्ट कहा जा सकता है। रमेश मेंदोला के साथ में अक्षय ने पहले नामांकन फॉर्म वापस लिया और अक्षय पम इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के साथ में है और भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे इतिहास खंगाले तो मध्य प्रदेश में यह पहला घटनाक्रम नहीं है जब कोई प्रत्याशी पाला बदल रहा है। पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भिंड लोकसभा क्षेत्र में भागीरथ प्रसाद, इन्होंने रात में इनको टिकट मिला था, सुबह इन्होंने बीजेपी ली और बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के सांसद बने भिंड से। और इसके बाद में कांग्रेस को सतर्क हो ही जाना चाहिए था, लेकिन शायद सतर्कता में कहीं कमी रह गई है, क्योंकि प्रत्याशी एक बहुत ही शख्स होता है पार्टी के लिए विश्वसनीय नेता होता है। मेरे दो सवाल रहेंगे, पहला सवाल ये कि
कई मालवा निमाड़ की सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, उसके बाद भी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? 400 पार का नारा दिया उसको देखते हुए ये किया गया है या क्या वजह है इसकी? और दूसरा सवाल मेरा यहाँ ये रहेगा कि मतभेद की खबरें सामने नहीं आ रही थी, हालांकि माइंड गेम्स कुछ चल रहे हैं ये जरूर सामने आ रहा था, तो क्या कोई इंडिकेशन भी कांग्रेस को पहले से नहीं मिले? देखिए, ये कांग्रेस को अब तलाशना होगा कि उसने इंडिकेशन मिल तो उसने क्यों नकारा, क्यों उसको नज़रअंदाज किया, और यदि मिले थे तो उनका इंटेलिजेंस सिस्टम आखिर कैसे काम कर रहा है, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा। अहम बात यह है कि केवल ये इंदौर की घटना नहीं है, इंदौर भाजपा का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर लालवानी के खिलाफ में अक्षय कांति बम एक मजबूत उम्मीदवार होने की कोशिश कर रहे थे। अभी कांग्रेस मजबूत नहीं है, कोशिश लगातार जारी थी। दूसरी तरफ कई सीट, कुछ सीटें ऐसे निवाड़ की है जहाँ पर ये संदेश जाना है, यानी बीजेपी मजबूत में ही कुछ संदेश देना चाहती है जिससे कि आसपास की सीट पर असर हो। ये माना जा रहा है कांग्रेस का मनोबल झाबुआ सीट पर और धार सीट पर काफी हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद में उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो धार और झाबुआ में कांग्रेस की तैयारी कर रहे हैं? एक डर तो ये फैल गया कि कहीं कांग्रेस के दूसरे लोग बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन नहीं कर लें, उसको भी यह डर। तो ये एक साइकोलॉजिकल रणनीति कही जा सकती है जो दूसरे क्षेत्रों पर असर डालती है। लेकिन लेकिन तीसरे चरण का चुनाव लेकिन अगर हम देखें कांग्रेस भर अभी अतुल बात कर रहे थे, अब्बास जी से बात की उन्होंने, तो उनकी ओर से कहा गया कि देखते हैं, हालांकि बीजेपी हार रही है, इस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जिसका नामांकन फॉर्म जमा हो चुका होगा, अप्रूव जिसका हो चुका होगा, अब देखते हैं आगे की क्या रणनीति होती है। तो ये मानकर चले कि कांग्रेस अब इस पर विचार करेगी और क्या कोई नया कैंडिडेट सामने आ सकता है, क्या ऐसा होता है? क्योंकि समय तो बहुत कम बचा हुआ है और आज नाम वापसी का आखिरी दिन भी था, तो क्या ये एक तरफा मुकाबला अभी मान के नहीं चले संदीप? देखिए, अभी कुछ और प्रत्याशी मैदान में है कांग्रेस के पास में, अभी ये रह गया है प्रक्रिया के अनुसार में किसी एक कैंडिडेट, जो बचे हुए कैंडिडेट है किसी एक कैंडिडेट को समर्थन देकर चुनाव में प्रॉपर रणनीति के साथ में उतरे और ये प्रदर्शित करने की करें, जो मैसेज अभी अब्बास दे रहे थे अतुल के साथ में बता रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश है, इसको चुनावी मुद्दा आगे बनाया जा सकता है। अक्षय कांति बम के मामले में वो आगे आकर किस तरह बयान देते हैं, क्या रणनीति अक्षय कांति बम और बीजेपी कांग्रेस उसका जवाब किस तरह से देगी, तो इंदौर प्रॉपर में भी ये एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो कांग्रेस के पास में अभी ऑप्शन बाकी है, एक प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं लेकिन वो सिंबल पर लड़ पाएंगे, इस पर संशय जरूर बना हुआ है, इस पर संदेह है अभी, क्योंकि इसके लिए पार्टी को एक फॉर्म भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को देना होता है जो उन्होंने अक्षय कांति दे दिया था। बिल्कुल, वापसी के बाद में अब कितनी संभावनाएं बनी हुई, इसके कानूनी पहलू को देखना होगा। ठीक है, लेकिन अतुल जिस तरीके, क्योंकि कोई भी अगर उम्मीदवार खड़ा होता है तो उनके जो समर्थक होते हैं वो पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उस तरीके से उस रणनीति पर काम किया जाता है, लेकिन जब प्रत्याशी ही बैकआउट कर दे तो समर्थकों में जो सपोर्टर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके से छाप छोड़ती है, क्या वो भी उनके सपोर्ट में ही रहते हैं? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जिस पार्टी में है प्रत्याशी उसी पार्टी को ज़्यादातर सपोर्ट किया जाता है, क्या अब ऐसे में उन्होंने अपने जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मन दुखाया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी की नींव होते हैं, और ऐसे में जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तीसरे चरण का और काफ़ी अहम स्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय जूझ रही है, यानी करो या मरो की स्थिति में है, और ऐसे में इस तरीके के प्रत्याशी की तरफ से जब झटका दिया जाता है तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल निश्चित तौर से डगमगाता भी है और टूटता भी है। देखिए, ये ना केवल इंदौर बल्कि उन क्षेत्र का भी कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठता है कि कहीं हमारे प्रत्याशी के साथ भी कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि अभी तीसरे चरण का चुनाव होने हैं, चौथे चरण का भी चुनाव होने हैं, और ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से हम देख रहे थे कि एक्शन बोर्ड पे आ रही थी, क्योंकि धीमे धीमे हताशी की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई थी, वो हताशा की स्थिति को छोड़ते हुए आप थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल में कांग्रेस पहुँचते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज का घटनाक्रम हुआ तो खासतौर पर इंदौर और इंदौर से सटे हुए जो इलाके हैं जहाँ पे ये चुनाव लोकसभा के होने हैं वहाँ जरूर इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ से ये बोलने की जरूर कोशिश कर रही है, बताने की भी कोशिश कर रही है कि बात पर विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के जब झटके लगते हैं तो सीधे तौर पे इसका मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर पड़ता है, और
मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण कार्यकर्ताओं में भी भगदड़ की स्थिति बन जाती है और पार्टी की जो कार्यकर्ता हमने देखा भी, देखिए इससे पहले ना केवल भोपाल, भोपाल के आसपास के इलाके, हम जबलपुर की जिक्र करें, छिंदवाड़ा का एक बड़ा हमने देखा था किस तरीके से छिंदवाड़ा में टूट हुई थी, भगदड़ मची हुई थी। इसके अलावा अगर हम जबलपुर देखें, उज्जैन देखें, तमाम ये इलाके रहे हैं मैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थाना है, तो उसके पीछे कारण भी एक ये बड़ा वजह मानते हैं क्योंकि ऊपरी ऊपरी जो लेवल के जो नेता है जिसके जिक्र कर रहे हो कहीं ना कहीं देखिए असर इसका कितना पड़ता है, क्या उनके साथ क्या और भी कार्यकर्ता जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा।